गाइज वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब मस्त औसम होंगे। सो आई नो आप सभी सोचे होंगे कि मैं भूल चुकी हूँ कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है गाइज। मुझे याद है कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है, लेकिन बात ये थी कि अभी फ़िलहाल मेरे कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, सेशनल्स वगैरह थे, तो उसके चक्कर में मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं था यूट्यूब के ऊपर। बट नाउ आई एम बैक। ओके, अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, मैं ट्राई करूँगी रेगुलर वीडियोस डालने की। सो गाइस बात ये है कि अभी मेरे पास है ना बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे इंस्टा पे भी, मेरे स्नैप पे भी, कि दी BMU का हॉस्टल कैसा है, रूम कैसा है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना रूम टूर कर लेते हैं, हॉस्टल टूर कर लेते हैं। तो अभी तो मैं पसीना पसीना हो गई, फैन ऑन करते गाइस। तो अभी मैं आपको जल्दी से जल्दी अपना रूम दिखाती हूँ, रूम के बाद फिर मैं आपको हॉस्टल व्यू भी दिखा दूँगी, और साथ ही साथ हमारी नई मेस बन चुकी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा हॉस्टल का व्यू है जो कि मेरे रूम के बाहर से दिखाई देता है। तो मेरा रूम है ये वाला, और अभी दिखाती हूँ अंदर से भी कैसा क्या है। फिलहाल ये मेरा हॉस्टल का व्यू है जो मुझे यहाँ से दिखाई देता है। नीचे पार्क भी है, और उधर हमारा जो वहाँ पे है ये हमारा वाटर कूलर है पानी के लिए। ओहो गाइस कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया लगता है, हाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया था, कोई नहीं मैं नीचे जाके भी दिखा दूँगी, ठीक है। और अभी मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा रूम 124। तो चलते हैं अभी मेरे रूम के अंदर। तो मेरे रूम में ज़्यादा कुछ नहीं है फिलहाल, वहाँ पे एक ड्राइंग बना रही, क्योंकि वो वॉल बहुत ज़्यादा गंदी थी पहले से ही, जो पहले बैच रहा है वहाँ उन्होंने काफ़ी गंदी कर दी, तो इस वजह से ऐसी है। ओके गाइस मैं पहले फ़ैन ऑफ कर देती हूँ क्योंकि फ़ैन की काफ़ी वॉइस आ रही है। और इधर गाइस हमने ओगेन द कॉकरोच बना रखे हैं अपने प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी। ये है मेरा रूम, छोटा सा रूम, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इधर हमने हमारा कूलर लगा रखा है जो कि हमें हॉस्टल की तरफ से मिलता है, और इधर ये मैंने पर्दे लगा दिए थोड़े से बाहर का व्यू, किसी को हमारा रूम ना दिखाई दे इसलिए। और ये मेरी टेबल जिसके ऊपर मैंने इसको बिछा रखा है, और इधर ये मेरी बुक्स हैं, और यहाँ पे मेरे छोटू छोटू हैंगर लगा रखे हैं मैंने दो, उधर मेरी स्लीव्स टंगी हुई हैं, और इधर ये मेरे ब्लूटूथ वगैरह। ये मेरा छोटू सा मिरर जिसमें आप मुझे देख सकते हो। और ये गाइस ये मेरी अलमारी है जो हमें हॉस्टल वालों की तरफ से मिली है, ये मैं हूँ प्यारी प्यारी, अरे दिख क्यों नहीं रही, हाँ दिखी, ये रही मैं। तो गाइस और इधर हमारा बेड, इधर मेरी स्टडी टेबल है, ये हमारा बेड है, और इधर मेरी रूममेट का, जो मेरी रूममेट है उसका है, ठीक है। इधर भी उसकी बुक्स रखी हुई हैं, और ये हमारी बोतल है गाइस, इस बोतल में हम पानी पीते हैं। मैं भी कैसे बकवास करी, ये भी उसके मतलब कि एक उधर होगी जो कि मेरे लिए है, और ये वाली है जो ये मेरी रूममेट के लिए। बीच में हमारे छोटू सा टॉम एंड जेरी, यार अच्छा नहीं बना इसकी व्यू, अच्छा नहीं हुआ, अभी करेंगे इसको भी ठीक जल्दी जल्दी। इधर ओगेन द कॉकरोच, और ये इधर हमारी छोटू सी बालकनी जिसके बाहर हम देख सकते हैं, दिखता है तो। हाँ गाइस जो देखो बाहर का व्यू है, ये हमारे हॉस्टल का गेट है इधर वाला, और ये उधर हमारा बाहर का व्यू है। ये हमारी छोटी सी अलमारी बालकनी है, इधर मेरी रिंग लाइट वगैरह रखी है, और इधर कुछ भी नहीं है, झाड़ू वाड़ू ऐसे ही है बस। तो गाइज ये मेरा रूम टूर है, देखो इधर से थोड़ा थोड़ा दिखेगा, वो हमारा वो है दूसरी बिल्डिंग है कॉलेज की, उधर स्कूल है सैनिक स्कूल, इधर से अच्छे से दिखेगा नहीं गाइज, आपको बाद में दिखाते हैं। तो गाइज ये था मेरा छोटू सा रूम जिसका मैंने अभी टूर करवा दिया है, अभी नीचे चलते हैं, मैं आपको नीचे से पूरे हॉस्टल का व्यू दिखाती हूँ। मेरी बोतल भी खाली है तो बोतल को भी साथ के साथ भर लाते हैं, एक साथ दो काम हो जाएंगे। ये रही हमारी बोतल, चलते हैं। सो गाइस ये आ गए हम हॉस्टल में नीचे। रिया, ये मेरी फ्रेंड रिया, और गाइस इधर हमारा है ये वाटर कूलर जहाँ पे कभी कभी ठंडा पानी नहीं मिलता, वरना मोस्टली इसमें ठंडा पानी मिलता है हमें। सो गाइस हमने हमारी बोतल तो भर लिया है, अभी आप हॉस्टल का व्यू देख सकते हो। गाइस जो ये एरिया है हमारा, इस एरिया पे हम रात को बैठ के यहाँ पे हमारा छोटा सा स्पीकर चला के हम सारी डांस वांस करती हैं, या फिर थोड़ी बहुत बकवास वगैरह कर लेती हैं। और ये हमारा स्टोर, पहले मेरा वो वाला रूम था 161 जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी उस टाइम पे, तब फिर मेरा 169 हुआ, और अब फिर मेरा 121 हुआ, और अब मेरा 124 रूम नंबर है, क्योंकि गाइस मुझे बार बार चेंज करना पड़ गया था किसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक एरिया है वहाँ पे मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता लग गया था, तो वो मेरे रूम के बाहर था। ये
बाहर होने की वजह से जैसे हम रूम से बाहर आ रहे थे या रूम के अंदर जा रहे थे तो वो हमारे साथ साथ रूम के अंदर जा रही थी, तो उनका थोड़ा सा डर था कि भाई कभी हमारे लड़ ना जाए, तो इस वजह से हमने उस रूम को छोड़ा था। फिर हम 121 में आए। उसके बाद फिर मैंने और हिमांशु ने, मतलब जो मेरे रूममेट है, उन्होंने आपस में रूम शिफ्ट किए, तो इस वजह से मैं अब 124 में हूँ, अभी मेरा परमानेंट है। और तो गाइस मेरे हॉस्टल में फ़िलहाल कुछ दिखाने का है नहीं, लेकिन अभी शाम को जैसे हम मैश में जाएंगे तो उस टाइम आपको व्यू दिखा दूँगी मैं। और हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो हमारा खाली रहता है, उस फ्लोर पे हमारे पास कोई नहीं है क्योंकि नीचे वाले फ्लोर ही अभी तक नहीं भरे हैं। तो चलिए अपने रूम में चलते हैं वापस से, क्योंकि मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकती नहीं हूँ, बट हाँ कभी कभी जब ठंडी हवा रहती है तब मैं रुक जाती हूँ। तो ये एरिया वो है जहाँ पर हमारे वार्डन मैम बैठती हैं, और इधर हमारे वाईफाई लगा है, लेकिन इस वाईफाई की रेंज हमारे रूम तक नहीं रहती। चलो चलो चलते हैं गाइस। सो गाइस अभी तक तो मैंने आपको अपना रूम भी दिखा दिया है और साथ ही साथ हॉस्टल का अंदर का व्यू दिखा दिया है। तो हॉस्टल के बाहर का व्यू ये है कि बाहर ज़्यादा कुछ मैंने देखा खुद ही, मैं मतलब हॉस्टल की कोई बात है यार, पूरे तो चक्कर में काट नहीं सकती, लेकिन मेन गेट है वो मैंने आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखा दिया। बाकी का मैं थोड़ा सा शाम को जैसे हम जाएंगे डिनर के लिए उस टाइम पे दिखा दूँगी। मैस हमारी थोड़ी पीछे की साइड है हॉस्टल के अंदर, वो भी मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगी कंप्लीट। और गाइस मुझसे काफ़ी सारे ये क्वेश्चन किए गए हैं कि हॉस्टल में स्ट्रिकनेस है या नहीं है, तो गाइस बात ऐसी है गर्ल्स हॉस्टल है तो गर्ल्स हॉस्टल में थोड़ी सी स्ट्रिकनेस तो होगी, और कहीं आउटिंग पे जाते हैं तो हमें एंट्री करके जाना पड़ता है। दूसरे हमें हमारे पेरेंट्स को भी कॉल करवा देते हैं वार्डन मैम कि अगर हमें काफ़ी दूर जाना है, लेकिन अगर ऐसे कि भाई हमें पास की शॉप पे जाना है कुछ सामान लेने के लिए तो नॉर्मली हम एंट्री करके चले जाते हैं, बट ऐसा कि भाई हमें मार्केट जाना है कहीं दूर जाना है तो वार्डन मैम कॉल करवा लेती है। और इससे ज़्यादा भाई हॉस्टल में वही है कि ज़्यादा नॉइस नहीं कर सकते, कि जैसे हम क्या था जब स्टार्टिंग में हम नए नए बच्चे थे उस टाइम पर हम क्या करते थे कि हमारा छोटा स्पीकर हमारे पास रहता था छोटू सा, तो उसको हम बजाते थे फुल वॉइस में, तो जिस वजह से बच्चे मैम को शिकायत कर देते थे कि मैम इन्होंने सॉन्ग प्ले कर रखा है तो ऐसे है वैसे है, तो इस वजह से हमें अब वो सब बंद कर दिया। बट हाँ ये कि भाई किसी का बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो अपने रूम के अंदर हम कर सकते हैं, रूम के अंदर हम भाई इंजॉयमेंट कर सकते हैं, और जो कि हम करते भी हैं। और तो गाइज वही बात है, लॉट ऑफ फन है हॉस्टल के अंदर, अगर आपके फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं तो आपके लिए वहाँ हॉस्टल भी काफ़ी फन है। ऐसा नहीं है कि कोई जेल टाइप में, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी को ऐसा लगता है कि BMU एक जेल है, बट ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। और कॉलेज के बारे में मुझसे काफ़ी पूछा गया है कि भाई कॉलेज कैसा है, ये इन्वायरमेंट कैसा है, तो कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, कॉलेज का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ स्टडी भी काफ़ी अच्छी है। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या ही बता सकती हूँ, मैंने आपको कंप्लीट बायोडाटा दे दिया है। और गाइस ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो के अंदर कुछ झूठ बोला है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, आप चाहो तो यहाँ आके भी देख सकते हो, सेम यही बातें मिलनी है आपको भी। और तो गाइस अभी ये है कि 5 तारीख से हमारे फाइनल स्टार्ट हैं, 5 जुलाई से, तो इस वजह से मैं आज ही, मतलब कि क्या था कि मैं आज हॉस्टल में आई, मतलब हमारे अभी सेशनल ख़त्म हुए थे 1 वीक पहले, तो हम सभी फ्रेंड्स, मतलब हम 4-5 जो फ्रेंड्स हैं हमारी, उन्होंने प्लान किया था कि 1 हफ्ते के लिए घर पर रुक के आएंगे, उसके बाद आके फाइनल्स की अच्छे से तैयारी करेंगे, तो इस वजह से हम 1 हफ्ते के लिए घर गए थे। तो मैं आज जैसे घर से आई, आके मैं थोड़ी देर भाई वही रेस्ट वेस्ट किया, तो जैसे मैंने अपना फ़ोन उठाया ना तो मेरे पास स्नैप पे मैसेज आए हुए थे, तो मतलब मैं स्नैप पे जल्दी रिप्लाई मिल जाता है सभी को, बट इंस्टा पे वही बात है कि काफ़ी मैसेज आ जाते हैं तो सभी के रिप्लाई मैं नहीं दे पाती, तो मैंने उसको उनके जिनके मैसेज थे उन्होंने मुझसे हॉस्टल के बारे में पूछा था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको एक वीडियो बनानी चाहिए, जैसे हम जैसे न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता चल सके कि भाई एडमिशन वगैरह चल रहे हैं ना अभी, तो हॉस्टल कैसा है, कॉलेज कैसा है। तो गाइस कॉलेज की क्लासेस का तो मैं नहीं बना सकती अभी वीडियो, मेरी पहली वीडियो बनी हुई उसके बारे में, तो क्लासेस का इसलिए नहीं बना सकती अभी, हमारी छुट्टियाँ चल रही है, प्रिपरेशन लीव है हमारी, लेकिन हाँ स्टडी के लिए हम सोच रहे हैं कि कल से लाइब्रेरी स्टार्ट कर दे या फिर परसों से, तो मैं उस टाइम पे लाइब्रेरी का व्यू तो आप सभी को दिखा सकती हूँ, तो वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए BMU से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको हर टाइप की वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और इंस्टाग्राम का लिंक और स्नैपचैट का लिंक, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी का व्यू आपको शाम को दिखाते हैं, तब तक के लिए आप वेट कीजिए, बाय। बताया था हमारी वार्डन मैम के सिटिंग का वो है, और इधर हमारी मैश है, उधर ये इतनी तेज़ रोशनी जो दिख रही है आपको, मैं अभी थोड़ी सी आगे चलती हूँ, और ये देखो मुझे ब्राइटनेस दिखाने के लिए अपनी फ्लैश लाइट ऑन करी है, ओए ऑन कर रही थी ऑफ कर दी, अच्छा ऑन है।
सो गाइस क्वालिटी ख़राब हो जाएगी क्योंकि अभी नाइट का वो है ना। और इधर फिर उधर से आके इधर हमारी मेस है उधर आगे, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। सो गाइस मेरा फ़ोन का कैमरा ख़राब हो रहा है गाइस, इनकी हरकत देख सकते हो। तो ये होता है हॉस्टल फन। तो गाइज ये अंदर हमारी मैश है और इधर ही हमारे सिंक लगे हुए दो, और ये एक वाटर कूलर यहाँ भी लगा हुआ है और एक हॉस्टल के अंदर लगा हुआ है। तो अभी हम मैस के अंदर जाएंगे। गाइज चलते हैं मैस के अंदर। सो गाइज ये हमारी मैस है। सो गाइज ये थी हमारी मैस। तो अभी मैं आपको मैस का टाइम बता देती हूँ। तो हमारी मैस का टाइम स्टार्टिंग जो सुबह का है वो 8 से 9 बजे का है, दोपहर का 1 से 2 है, और शाम का अभी थोड़े कम बच्चे तो इस वजह से 8 बजे से 9 बजे का कर रखे है। वैसे बाकी डेज ये 7:30 से हो जाती है इसकी स्टार्टिंग। सो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं होते यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल, सारंगे। सो गाइज जो लास्ट पार्ट में अभी मैंने सारंगे बोला है, दरअसल बात ये है कि मुझे कोरियन देखना थोड़ा सा पसंद है, तो इस वजह से मैंने हल्की सी कोरियन नहीं, मैंने सिर्फ अभी तक एक ही दो वर्ड ही सीखे हैं। एक तो अयन सेओ मीन्स हेलो, और दूसरा मैंने सीखा है सारंगे। तो यही दो वर्ड मैं आपको बोल देती हूँ। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद है। तो मिलते हैं बाय, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।